हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से, क्योंकि आज मैं पूरा किचन का व्लॉग ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने क्या क्या बनाया, नहीं मैंने बनाया नहीं, मैंने सीखा। तो आज मेरी मम्मी ने मुझे दो चीज़ें बनाना सिखाई, इसने मेरी ड्यूटी आज किचन पर लगा दी थी। तो मैंने सूट भी किया और साथ में मम्मी के साथ इसको सीखा भी। तो आज मैं बनाना सीखने वाली हूँ गुलाब जामुन और भरवा करेले। तो यहाँ ये पैकेट आ चुका है बाबा गुलाब जामुन का, जिससे कि हम बनाएंगे आज टेस्टी टेस्टी से गुलाब जामुन। मैंने आज तक नहीं बनाया, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि सब कुछ आना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ किचन में बैठा लिया था। तो मैंने बोला कि ठीक है, सीखते भी जाएंगे और शूट भी करते जाएंगे। तो यहाँ मम्मी ने सबसे पहले जो इसका गुलाब जामुन के अंदर जो पाउडर था उसको पूरा निकाल लिया था और गर्म पानी से इसको सेट कर लिया था और वहाँ लगा चढ़ा दी थी चाशनी बनने के लिए। चाशनी बन चुकी थी, तो यहाँ पर उसके बाउल्स बना बना के मम्मी ने इसमें डाल दिए थे और इसको धीमी आंच पे फ्राई कर लिया था ब्राउन ब्राउन कलर के अच्छे अच्छे से। और मम्मी ने इसमें मुझे ये सिखाया था कि इसको हमें तब तक अच्छे से बाउल को जब हम हाथ से ऐसे रोल करते हैं तो इतने अच्छे से करना होता है ना कि इसमें एक भी लाइन नहीं रह जाए, क्योंकि अगर लाइन रहती है ना तो वो फ्राई करने में फटने लगते हैं, जिससे कि गुलाब जामुन हमारे अच्छे नहीं बन जाते हैं और उसमें चाशनी एक्स्ट्रा होने की वजह से वो फट भी जाते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी के जो गुलाब जामुन है कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं, एकदम गोल हैं, कोई भी नहीं फटा है किसी में, कोई भी दरार नहीं है। और धीमी धीमी आंच में मम्मी ने इसे तलने के लिए बोला था, क्योंकि धीमी आंच पर जब ये फ्राई होते हैं ना तो अंदर तक पक जाते हैं, जो अंदर किसी किसी के जो गुलठियाँ जैसी नहीं पड़ जाती हैं तो वो नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ देखिए गोल गोल शेप देकर इसको हम फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर इसको हम चाशनी पर छोड़ देंगे और हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाएंगे। और मैं इसको इतने अच्छे से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने फुल टाइम, मम्मी ने जब तक बनाया नहीं था तब तक मैं वहीं किचन पर रही थी, उसको मैंने अच्छे से सीखा है, इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। और मैं नेक्स्ट टाइम पे जब भी बनाना होगा तो मैं खुद से बना सकती हूँ क्योंकि मैंने ये अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ देखिए अभी तक हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो इनको फ्राई कर लेने के बाद हम सीखेंगे भरवा करेले बनाना, जो कि बिल्कुल भी करवाएंगे नहीं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे करेले।
गुलाब जामुन हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए एक भी बिल्कुल भी फटे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, एकदम सॉफ्ट, अंदर से इसमें कुछ भी जैसे गांठ सी पड़ जाती है तो कुछ भी नहीं थी, बहुत ही अच्छे बने थे। अब मैंने बनाने सीख लिए हैं और नेक्स्ट टर्न है हमारी भरवा करेले, जो कि मैं सीखने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ, तो इसमें मम्मी ने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले जो करेले होते हैं उनका छिलका उतार कर उसमें नमक लगा के रख दिया था एक दिन के लिए, तो वो रात भर रखे रहे थे। और फिर उसके बाद इसको पानी में उबाल लिया था, और फिर पानी में उबालने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ लिया था। अब यहाँ पर इसका जो मसाला हो रहा है तो वो रेडी करेंगे हम। तो उससे पहले हम यहाँ चले गए थे ऊपर खटाई लेने, अमचूर जो अमिया थी ऊपर रखी हुई थी, तो यहाँ हमारी क्यूट सी कल्लो परी बैठी हुई थी जीने पे, तो मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो बताइए आपको हमारी कल्लो परी कैसी लग रही है, इनकी नीली नीली आँखें हैं, रात में कोई इन्हें देखे तो डर जाए, और अंधेरे में रहती हैं, यहाँ नीचे तो दिखती नहीं है कहाँ पर है, इतना ब्लैक, इतना शाइनिंग कलर है इनका। तो यहाँ मैं ऊपर से ले आई थी खटाई, और तेल भी ख़त्म हो गया, तो ऊपर हमारा स्टोर है तो वहाँ पर हम ले आए थे इसमें डिब्बे में। और यहाँ मम्मी ने देखिए मसाला बिल्कुल रेडी कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसमें मम्मी ने क्या क्या इसमें मसाले ऐड किए थे। तो सबसे पहले मम्मी ने 4 से 5 गांठ प्याज की तल ली थी अच्छे से, फिर उसमें अदरक नहीं डाला था, लहसुन और सौंफ, जीरा, अमिया मतलब कि खट्टी कैरी जो होती हैं उसको, क्योंकि उसके बिना अच्छे नहीं बनते हैं, थोड़ा सा खट्टापन करेलों में अच्छा लगता है, तो और कलौंजी, इन सब चीज़ों को डालकर, हल्दी वगैरह, थोड़ा थोड़ा सा धनिया, अच्छे से मसाला जो हमारा तैयार कर लिया था इसका भरवे वाला, तो फिर उसके बाद उसे ही हमने करेलों के अंदर भर लिया है। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, बस हल्का सा फ्राई किया जाता है, तो उससे हमारा जो मसाला तैयार हो जाता है जिसे हम करेले पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ मम्मी ने धीमी धीमी आँच पर, लोहे की कढ़ाई थी तो उसमें धीमी आँच लगती है, और बाकी हमारी जो पतली इसकी चादर है ना तो जलने लगते हैं और पक भी नहीं पाते, इसलिए मम्मी ने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी थी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कलौंजी डालना मम्मी भूल गई थी, तो फिर मैंने ऊपर से ही डाल दिया था, वैसे कलौंजी से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो कलौंजी आपको ज़रूर डालनी है इसमें। और बन गए थे हमारे इस तरह से करेले, बहुत ही धीमी आँच में फ्राई किया था, बहुत ही टेस्टी बने थे। अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ बिरयानी, तो यहाँ देखिए रायता मैंने पहले ही बना दिया है, और बिरयानी की रेसिपी तो मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अब यहाँ व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।